हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये झारखंड में है मैट्रिक स्तर संयुक्त परीक्षा कीट पालक वगैरह की है, तो इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। इसको भरने के लिए जो आपका एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगा, परीक्षा शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस, वो आपकी 100 रुपये लगेगी। परीक्षा शुल्क में छूट भी है, बट किन को? झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड रांची के क्रमांक पत्रांक के आलोक झारखंड राज्य के 40% इससे अधिक निशक्ता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। और ये जो आपकी फ़ीस होगी, ये फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि आपसे आपको वापस मिलने के चांस नहीं है। इसमें पोस्ट जो है वो कौन कौन सी खाली है, तो इसके बारे में बात कर देते हैं। आज खांसी हो गया। कीट पालक एंड समकक्ष उद्योग विभाग की तरफ से है। इसमें क्या है कि कुल क्या है, इसमें अगर आप अनारक्षित के लिए अनारक्षित के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 106 वैकेंसीज हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए हैं तो 68 है, अनुसूचित जाति के लिए हैं तो 27 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो आपका 23 वैकेंसी है, पिछड़ा वर्ग सेकंड है तो 16 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो 28 है, और इसमें महिलाओं के लिए यहाँ पे दे रखा है, खेलकूद कोटा के हिसाब से भी दे रखा है, पदों की संख्या कुल रिक्त के अधीन 36, आरक्षण यानी कि यहाँ पे दे रखा है आपको कितनी कितनी है वो आप देख लीजिए अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या है, सेकंड है हमारे यहाँ कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग। इसमें क्या है, अनारक्षित के लिए 76 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 48 है, अनुसूचित जाति के लिए 19 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 15 है, पिछड़ा वर्ग सेकंड के लिए 11 है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए 18 है। टोटल 187 वैकेंसीज हैं, जिसमें फ़ीमेल के लिए 10 हैं, खेलकूद कोटा के में 3 हैं, अगर आप अंधापन और कम दृष्टि है तो 2 हैं, और बहरापन वगैरह है तो 2 हैं टोटल, और अगर आप चल वगैरह नहीं पाते हैं तो 2 हैं, मतलब 2 हैं बाकियों के लिए। और इसमें क्या है, आपका पदनाम एवं वर्गीकरण, आपकी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए होगी। और हाँ, मेरे से कमेंट में किसी ने कहा था, मैम आप वीडियो बहुत लेंथी बनाते हो, तो अगर आपको मतलब कि आप पीडीएफ से डायरेक्ट समझ रहे हो तो पीडीएफ में क्या रहता है, लेंथी चीज़ें रहती है, और मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी पॉइंट मिस हो, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपको क्लियर नहीं करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहो कि 1-2 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाए तो मैं छोटी सी वीडियो बना सकती हूँ, जो लिख के भी बना देते हैं, जैसे मैं थोड़ी बहुत वीडियो वो अपलोड करती हूँ जब मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो अगर आपको वैसे वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिए, अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो भी मुझे बता दीजिए। पीडीएफ में क्या है, आपको थोड़ा भरोसा हो जाता है कि हाँ ये वैकेंसीज़ निकली हैं, आप पीडीएफ से ज़्यादा बेहतर तरीके समझ पाते हैं, बस इसलिए मैं पीडीएफ से अपलोड करती हूँ। अगर प्रॉब्लम है, अगर कम टाइम में आप चाहते तो मैं वैसे अपलोड कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, कीट पालक एवं समकक्ष पद के लिए उद्योग विभाग में क्या है, इसमें आपका लेवल 1 पे सैलरी रहेगा 18,000 से लेके 56,900 के बीच में। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th पास मांगी गई है। यहाँ पे रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से आपके पास 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो चाईबासा वगैरह का। फिर दूसरा है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद का, इसमें लेवल 2 पे सैलरी होगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में। इसमें आपका क्या है, 10th पूरा होना चाहिए, 10वीं के साथ साथ आपको हस्तशिल्प में जो 1 ईयर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो अगर आपके पास है तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य के विभाग में आता है। तो इसमें क्या है, आपका प्रतियोगिता का स्तर यहाँ पे मांग रखा है, जैसे कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, www.jssc.nic.in पे भी ये नोटिफिकेशन जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ तथा उससे संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राज्य स्तर की प्रतियोगिता द्वितीय तृतीय स्थान पे हो तो अप्लाई कर सकते हैं, झारखंड ओलंपिक में अगर प्रथम स्थान पे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है खेलकूद में अगर आप करें तो आपके पास जैसा भी है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या है, आपका दो है तो कीट पालक और समकक्ष पद और कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद के लिए आपका 1/8/2023 के बेस पे आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी, और वो जो आपकी जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज दी है वो इन्होंने दी है अधिकतम उम्र सीमा
अगर आप अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं तो 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अनु 1 और अनु 2 में आते हैं तो 37 वर्ष, और महिला जो है अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1 और 2 में आती हैं तो 38 वर्ष, और अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं और अनुसूचित जाति से हैं तो आपका 40 साल पुरुष एवं महिला दोनों के लिए। और यहाँ पे कुछ ऐसा खास है नहीं, मैं पर देख रही हूँ, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपको निवास प्रमाण पत्र भी लगाना होगा वहाँ पे, और अगर आप SC ST से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो लगाना ही पड़ता है, जिसके यहाँ पे दे भी रखा है। और कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो इन्होंने बताई है, वो बताते हैं। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका के डाउनलोड कर लें, तो अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह सभी आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, जैसे कि अगर आपको जिस भी कास्ट से हैं तो आपको उस कास्ट का वो चाहिए होगा, पहला तो फोटोग्राफ चाहिए होगी, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, और जो 1 ईयर का जो सर्टिफिकेट मांगा है वो चाहिए होगा, एक फ़ोटो चाहिए होगी, आधार कार्ड चाहिए होगा, और उसमें जो भी मांगते हैं 10th की मार्कशीट और जो भी क्वालिफिकेशन है वो सभी आपको चाहिए होगी। आवेदन भरने से पूर्व अपने फ़ोटो में पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन कर लें, आपको स्कैन करना है तो आपको स्कैन भी करके रख लेना, सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि उसमें जो आपका नाम पापा का भी कहीं है, क्या होता है ना कि हमारे आधार कार्ड में जैसे कुछ और नाम लिखा है तो सर्टिफिकेट में कुछ और लिखा है, तो ऐसे में क्या होगा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप बहुत ही केयरफुली करें ये सब काम। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, आवेदक अपने ही नाम की वर्तनी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो आप जो मतलब भरेंगे, तो आपके नाम की जो स्पेलिंग है ना वही वाली स्पेलिंग लिखना जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, क्योंकि जब भी हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो नाम वगैरह पापा का नाम डेट ऑफ बर्थ जो भी लिखना चाहिए ना वो सभी हमें 10th की मार्कशीट से लिखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना 10th की मार्कशीट फर्स्ट मार्कशीट होती है, इस वजह से आपको उसी से भरना चाहिए, या फिर आप भी देख लेना जब साइबर कैफे वाले फॉर्म भरते हैं तो आपसे आपकी 10th की मार्कशीट वो पहले मांगते हैं, 12th से आपका फॉर्म नहीं भरते, 10th की मार्कशीट से आपका फॉर्म भरा जाता है हर साइबर कैफे पर, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर ही व जन्मतिथि अर्थात महीना एवं वर्ष दर्ज करें जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट, हाँ सेम इन्होंने कहा है आप मार्कशीट से ही करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना यहाँ पे पूरा बता रखा है किस तरीके से आप भरेंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरना, अदर किसी भी वेबसाइट से नहीं भरना, नहीं तो क्या होगा वहाँ पे फ्रॉड चलता है तो फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 4 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि 4 तारीख तो आज तो 5 हो गई थी, कल से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट है, 3 अगस्त तक आप इसका भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 5 तारीख इसकी लास्ट डेट है, मध्य रात्रि तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक आपका 7 तारीख ही लास्ट है, और 9 तारीख से 11 तारीख के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, यानी कि जैसे कि आपकी कोई जैसे दिक्कत हो जाती है, जैसे नाम वगैरह में कोई नाम वगैरह कह रही हूँ, जैसे कोई करेक्शन वगैरह आपको कराना होता है तो उसके लिए जो वेबसाइट है वो 9 तारीख को खुलेगी, 9 से 11 के बीच में जब आप करा पाएंगे, आपको पेमेंट जो करेंगे उसकी रिसिप्ट आपके पास रख लेनी है, जब वेरिफिकेशन होंगे डॉक्यूमेंट तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपका जो पेपर है वो किस तरीके से होगा, जो आपका पेपर है वो OMR सीट पर लिया जाएगा, यानी कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक पे टिक करना होगा, मतलब ये MCQ बेस्ड आपका पेपर होगा। परीक्षा का स्वर निम्न प्रकार होगा, परीक्षा क्या है, 1 चरण में लिया जाएगा जो कि मुख्य परीक्षा में लिया जाएगा, परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविल के, अभी मैंने आपको जैसे बताया था एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर, इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो गलत करने में आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होंगे, आपका एक लैंग्वेज का भी पेपर होगा, उनको छोड़कर आपके जो पेपर हैं हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वल लैंग्वेज में होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पेपर होंगे आपके, यह परीक्षा 3 पाली में ली जाएगी, जो पहला पेपर होगा वो भाषा ज्ञान का होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे का आपका पेपर होगा जिसमें हिंदी भाषा से आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी भाषा से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। ये वीडियो लेंदी हो रही है, आई नो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, मैं कोशिश करती हूँ।
और सेकंड में क्या है आपका क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान के ऊपर आपका पेपर होगा जो कि 2 घंटे का, और सामान्य अध्ययन से 40, झारखंड से 50 क्वेश्चन होंगे, और सामान्य गणित के 10 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपको 30% लाना ज़रूरी है। 30% आप लाएंगे तो आपका क्वालिफाई करना, मतलब 30% जो है इसमें क्वालिफाई मार्क्स है। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक लाना प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। मुख्य परीक्षा 3 तालीम होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मुख्य परीक्षा क्या है, मेधा सूची निर्णय, यहाँ पे आपकी फिर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, फिर पता लगेगा आपको आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, जैसे कि कौन सी कास्ट वाले को कितना नंबर लाना जरूरी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो लेंदी और या आई नो, फिर आप कहते हो कि वीडियो लेंदी बनाते हैं आप, तो जब है ही तो लेंदी तो बनेगी ही ना, मैं कहाँ लेंदी बनाती हूँ। जो PDF में वो इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आपको नहीं बताऊँगी तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट था। आई होप वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे ज़रूर से बताना मैं आप PDF में ही वीडियो अपलोड करूँ या फिर वैसे हैंड रिटन में कर दूँ, तो आप मुझे बता देना। वैसे PDF में आपको फ़ायदा है।